अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो वेलकम करता हूँ अपने चैनल काम की बातों में। दोस्तों, आज आपके सामने वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंसान का सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि उसकी अपनी छत हो। तो अपना घर बनाने वक्त कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा कि घर में दम घुटने से या गैस मर जाने की वजह से, ठीक है, कुछ लोग जो है वो जान की बाजी खा गए हैं। तो उनके दोस्तों गैस भरने की बड़ी वजह क्या होती है? गैस भरने की दोस्तों कमरे में सबसे बड़ी वजह ये होती है कि गैस लीकेज तो चलो है, ठीक है, हो गई है, गलती की वजह से हो गई है। तो हमारे कमरे में जो है ये दोस्तों आप देख रहे हैं रोशनदान पड़े हुए, ठीक है। हमारे कमरों में अक्सर रोशनदान नहीं होते, ठीक है, और ये रोशनदान हमें दोस्तों हवा की वजह हवा की नहीं भी लाजमी बनानी चाहिए, ठीक है। तो जो जब भी आप हवा जो है गर्म होती है ऊपर की तरफ होती है, तो ये रोशनदान हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल छत के साथ जोड़ के बनानी चाहिए, बिल्कुल लेंटर के साथ जोड़ के बनानी चाहिए। और रोशनदान बनाने में भी एक पॉइंट दोस्तों है सबसे बड़ा कि आपने रोशनदान रखना किस जगह पे है, क्या जानो। अक्सर आपने देखा होगा कि दरवाजे के ऊपर ही आपका रोशनदान भी होगा, ठीक है। उसमें तो चलो आप ये देख लें कि एक फ़ायदा हमें हासिल होता है कि गैस नहीं भर सकती, ठीक, कमरे के अंदर दम घुटने का कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा मकसद सही तरीके से हल नहीं होता। तो दोस्तों आपने करना क्या है, इसमें जो मेन पॉइंट है जिसका आपने ध्यान रखना है कि एक तरफ फर्ज करें कमरे के लेफ्ट साइड पर जो है वो आपका दरवाज़ा है, तो एन दरवाजे के सामने, ठीक है, ये यहाँ रोशनदान है, बिल्कुल मेरे सामने की तरफ दरवाज़ा है, तो एन दरवाजे के सामने जो है आपने रोशनदान रखना है। इनकी हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस तभी चीज़ होती है जब दोनों जगह आपने सामने घरों एक तरफ से आगे दूसरी तरफ को निकल जाए। तो रोशनदान रखते वक्त सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि घर के अंदर रोशनदान रखें, रोशनदान बनाएं। अक्सर घरों में सीलिंग वगैरह भी होती है, ठीक है, तो लेकिन रोशनदान जो है वो आपको घर के अंदर बनाने चाहिए, ठीक है। और रोशनदान बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें रोशनदान रखना किस तरफ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें अगर अच्छी लगी तो। इससे हमारा हौसला अफजाई होती है ताकि हम रोज़ रोज़ नई नई वीडियो आपके लिए बनाते रहें और इंशाल्लाह एक अच्छी अच्छी मालूमात भी आप तक पहुँचाते रहें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।